इस वीडियो में हम लोग मिड जर्नी जैसा इमेज क्रिएट करने वाले हैं, वो भी फ्री में। और इस वेबसाइट की एक अच्छी बात यह है कि इस वेबसाइट से आप अनलिमिटेड इमेज क्रिएट कर सकते हो और आप एक ही इमेज के अनलिमिटेड वेरिएशन बना सकते हो। अगर आप इस वेबसाइट को अच्छी तरह से चलाना सीख जाओगे तो आप मिड जर्नी से भी अच्छा इमेज और वेरिएशन क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट में साइन अप करके अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है, ब्राउजर के सर्च बार पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिखना है playground.ai और फिर इंटर करना है। तो यहाँ पहले नंबर पर ही playground.ai वेबसाइट देखने को मिलेगा। सिंपली आपको इस पे क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। फर्स्ट टाइम वेबसाइट का लुक कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा और यहाँ साफ साफ लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, क्रिएट एनी इमेज फ्रॉम योर इमेजिनेशन। तो आप जैसा चाहो वैसा इमेज यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है और फिर ऐसा पेज आएगा, यहाँ कंटिन्यू विथ गूगल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो आपके सामने ऐसा पेज आएगा और यहाँ पर पासवर्ड डालकर फिर नेक्स्ट करना है। तो आप सक्सेसफुली वेबसाइट में लॉगिन हो जाओगे। वेबसाइट का लुक कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा, बट इसे देख के आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको इसमें सब कुछ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस इमेज को यहाँ से कट कर देते हैं। तो इस वेबसाइट में यहाँ पर पहले नंबर पर हमें फिल्टर देखने को मिलेगा। इस फिल्टर को आप इमेज क्रिएट करने से पहले भी सेलेक्ट कर सकते हो और इमेज क्रिएट करने के बाद भी सेलेक्ट कर सकते हो और उसमें फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही आप इस क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार के फिल्टर्स देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपको रियलिस्टिक, सिनेमेटिक एंड ड्रीम हेवन जैसे अलग अलग कैटेगरीज देखने को मिल जाएंगे। तो जिस भी फिल्टर्स में आपको इमेज चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके इमेज क्रिएट कर सकते हो। एंड यहाँ पर दूसरे नंबर पर इस वेबसाइट को यूज करने के लिए ट्यूटोरियल मिल जाएगा, बट मैं आपको इस वीडियो में यूज करना बता रहा हूँ, तो आप इसी वीडियो से सब कुछ सीख सकते हो। और तीसरे नंबर पर यहाँ पर हमें प्रॉम्प्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें हम अपना प्रॉम्प्ट टाइप करके अलग अलग इमेज क्रिएट कर सकते हैं। और आपको उस इमेज में कोई अलग से एडिटिंग करना हो तो आप इस पे क्लिक करके इस बटन को ऑन करोगे तो आपको इस तरह का एक बॉक्स देखने को मिलेगा, इसमें अपना प्रॉम्प्ट टाइप करके इमेज एडिट कर सकते हो। एंड इधर लास्ट में इमेज टू इमेज देखने को मिल जाएगा, इसमें आप कोई इमेज इनपुट करके उसका अलग अलग वेरिएशन कर सकते हो और उसे वेक्टर इमेज में क्रिएट कर सकते हो। और राइट साइड में जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ से आप इमेज का डायमेंशन सेलेक्ट कर सकते हो कि कितना बाई कितना में हमारा इमेज क्रिएट हो, यानी कि यहाँ से आप इमेज की लंबाई और चौड़ाई सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से इमेज की क्वालिटी घटा बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से। और यहाँ से आप नंबर सेलेक्ट कर सकते हो कि इमेज क्रिएट करते टाइम हमारे सामने कितने इमेज दिखे, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर इमेज क्रिएट करते समय आपके स्क्रीन पर ज्यादा इमेज हो जाए तो आप इसे यहाँ से हाइड भी कर सकते हो और बाद में इसे अनहाइड भी कर सकते हो। तो अब हम लोग इस वेबसाइट से इमेज क्रिएट करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ नंबर ऑफ इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ हमें दो इमेज चाहिए इमेज क्रिएट करते टाइम। तो हम नंबर ऑफ इमेज में आते हैं और यहाँ से 2 सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम फिल्टर में आते हैं। फिल्टर में आने के बाद यहाँ से हम कोई एक फिल्टर ले लेते हैं। तो इनमें से मैं एक फिल्टर लेने वाला हूँ, ये सिनेमेटिक। तो हम यहाँ नॉर्मल कमांड टाइप करके आपको दिखाएंगे कि इस वेबसाइट का कितना यूज है मिड जर्नी से। तो प्रॉम्प्ट में आके हम सिंपली ओमेन लिखते हैं, केवल ओमेन। तो यहाँ देख सकते हो एक ही वर्ड है और इससे इमेज जनरेट करने के लिए नीचे हमें जनरेट का बटन देखने को मिल जाएगा। सिंपली जनरेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ इमेज जनरेट होने लगेगा। तो इस नॉर्मल प्रॉम्प्ट से हमें कुछ इस प्रकार का इमेज देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको इसमें से कोई इमेज अच्छा लगता है तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। इसी इमेज में आपको डाउनलोड का बटन देखने को मिल जाएगा, बट आपको ये इमेज अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसी प्रॉम्प्ट से और भी इमेज जनरेट कर सकते हो। और अगर आपको 2 से ज्यादा इमेज चाहिए तो आप नंबर ऑफ इमेज में आकर यहाँ से हाईएस्ट नंबर सेलेक्ट कर सकते हो एंड जनरेट पर क्लिक करके इसी प्रॉम्प्ट से और भी इमेज जनरेट कर सकते हो। और दूसरा तरीका यह है कि आपको प्रॉम्प्ट यही रखना है, आपको फिल्टर में आना है एंड यहाँ से कोई अलग फिल्टर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर रियलिस्टिक सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड फिर जनरेट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जनरेट पर क्लिक करोगे इमेज जनरेट होने लगेगा और इसी प्रॉम्प्ट से आपको अब अलग इमेज देखने को मिलेगा जो कि कुछ इस प्रकार है। आप
देख सकते हैं प्रॉम्प्ट एक ही है बट इमेज आप अलग अलग क्रिएट कर सकते हो। अब जो भी इमेज आपको पसंद आए उसे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली डाउनलोड के बटन पर आपको क्लिक करना है और ये इमेज आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से इसमें इमेज क्रिएट कर सकते हो। जैसा आप कमांड टाइप करोगे वैसा इमेज आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप जैसा प्रॉम्प्ट टाइप करोगे आपको वैसा इमेज देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो का पार्ट सेकंड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।